व्यूअर्स जरा सोचो, हम इंसानों पर कुछ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स ने हमला कर दिया हो, जो जिसे भी काटेंगे ना वो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी नहीं बचेगा। पर आखिरकार हम उन डेडली क्रिएचर से बचेंगे कैसे, इस बारे में तो जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें कूपर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह अपने ऑफिस में काम करने के लिए जा रहा था। कूपर अपने बॉस के साथ कुछ बातें करता रहता है, तभी उन सभी को एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग एकदम से बेहोश हो गए थे। और अब थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक अजीब तरीके का इंसेक्ट आ जाता है, जो साइज में बहुत ही बड़ा था। उस कीड़े ने तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जाल में बांध दिया होता है, और वो धीरे धीरे सभी का खून पी रहा था। जब कूपर को होश आता है तो वो उस जाल से बाहर निकल गया था। उसने देखा कि सारे लोग जाल में फंसे हुए हैं, और अब कूपर के ऊपर उसी बड़े से कीड़े ने हमला कर दिया था। कूपर तो लगातार अपनी जान बचाने की कोशिश करता ही रहता है। बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद कूपर उस कीड़े को भगाने में कामयाब तो हो गया था, पर अब वो अपनी बॉस और बाकी लोगों को जाल से निकालता है। कूपर की बॉस बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी बेटी कार में ही मौजूद थी, और अब वो तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर भागने लग गई थी। कूपर तो अपने बॉस का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा था, और अब वो खुद ही उसकी बेटी सारा को देखने चला जाता है। कूपर ने सारा को जब जाल में से बाहर निकाला, तब सारा ने तो डायरेक्टली कूपर की आंखों पर पेपर स्प्रे मार दिया था। लेकिन यहाँ कूपर की बॉस अपनी बेटी के लिए काफी चिल्ला रही थी, तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा कीड़ा उड़ता हुआ आकर सारा की मॉम को लेकर चला जाता है। सारा तो इस बात से बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी, और अब उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर और भी ज्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं। कूपर तो सारा की मदद करता रहता है उन सभी से बचने के लिए, और अब कूपर सारा को लेकर अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों ने बाकी लोगों को भी जाल से आजाद कर दिया था। अब तो वो सब एकदम परेशान हो जाते हैं कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। लेकिन इन सारी चीजों से उन्हें एक बात पता चल गई थी कि ये सारे बड़े बड़े इंसेक्ट आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए उन्हें पूरा ट्राई करना पड़ेगा कि वो जरा भी आवाज ना करें। अब एक आदमी उन सभी को बताता है कि उसके पास एक ट्रक है जिसके अंदर वो सब बैठकर जा सकते हैं। लेकिन सारा उस आदमी को ये करने से मना कर रही थी, क्योंकि ट्रक को चालू करने पर उसमें से आवाजें निकल सकती हैं, और उन आवाजों को फॉलो करते करते वो इंसेक्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे। पर वो आदमी कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ डायरेक्टली ट्रक में चले गया था। जिसका डर था वही हुआ। उस आदमी के ट्रक को चालू करते ही वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट आ गए थे, जिन्होंने देखते ही देखते सारे लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो ट्रक वाला आदमी और उसके दोस्त तो मारे जाते हैं, लेकिन कूपर सारा और बाकी सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग गए थे। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम एल्बर्ट होता है, उसे एक कीड़े ने आकर डंक मार दिया था। लेकिन अब कैसे भी एल्बर्ट बाकी लोगों के साथ अंदर चला जाता है। उन सभी की जान जाने से तो बाल बाल बच गई थी। कूपर और बाकी सब बिल्डिंग के एकदम टॉप पर आ गए थे, जहाँ पर वो एक तरफ देखते हैं कि लाल धुआं निकलते ही जा रहा है, और दूसरी तरफ वो सारे इंसेक्ट अपना शिकार ढूंढने जा रहे हैं। इसीलिए अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें कहीं ना कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। कूपर के डैडी मिलिट्री ऑफिसर थे, इसीलिए अब कूपर सभी को एडवाइस देता है कि उन्हें कैसे भी करके उसके डैड के पास पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अब मियां नाम की एक डॉक्टर का मानना था कि अगर उसे इन कीड़ों का डीएनए मिल जाए तो वो उनके ऊपर रिसर्च करके इनके बारे में और पता लगा सकती है। इसीलिए अब मियां की रिसर्च में मदद करने के लिए कूपर और बाकी लोगों ने बड़ी चालाकी से एक बड़े से कीड़े को कमरे में फंसा दिया था, और अब वो कीड़ा जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, उन लोगों ने कैसे भी करके उसका डीएनए कलेक्ट कर लिया था। अब सारे लोग बैठकर इन सभी चीजों की वजह ढूंढने लगते हैं। उन सभी को सिर्फ एक बात याद होती है कि उन्हें ये सारी चीजें शुरू होने से पहले एक बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज सुनाई दी थी। लेकिन अब अचानक से वो कीड़ा जिससे कि उन लोगों ने कमरे में कैद किया था, वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। इसीलिए एल्बर्ट को ना चाहते हुए भी उस पर फायरिंग करनी पड़ी थी। लेकिन अब डॉक्टर मियां ये बताती है कि ये कीड़ा ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा था, बल्कि शायद से वो अपने साथियों को यहाँ पर बुला रहा था, यानी कि अब इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए कूपर और बाकी सब यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन डॉक्टर मियां तो यहीं पर रुककर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी, और अब कूपर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इतने कम टाइम में कूपर सारा को पसंद करने लगा था, वो तो सारा के साथ क्लोज आने की कोशिश भी करता है। लेकिन अब जेनिफर नाम की एक औरत जो उन सभी के साथ थी, वो अपने घर पर सभी को लेकर जाती है। लेकिन तभी जेनिफर ने देखा कि उसकी बहन भी जाल के अंदर फंस चुकी है। जेनिफर उसे बाहर निकालते ही रहती है, तभी अचानक से उसका भाई गैराज से बाहर निकल रहा था।
और वो पूरी तरीके से एकदम मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। जेनिफर का भाई एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन सभी पर हमला करने लग जाता है। उसने तो अब जेनिफर को भी पकड़ लिया था, लेकिन कूपर और एल्बर्ट मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। वो सब तो अपनी जान बचाकर तुरंत जेनिफर के घर के अंदर चले गए थे, क्योंकि गन की आवाज सुनकर कीड़े यहाँ पर आते ही होंगे। और अब यहाँ जेनिफर कूपर को लाइक करने लगी थी। उसने तो डायरेक्टली जाकर कूपर को प्रपोज कर दिया था, लेकिन कूपर तो जेनिफर के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। जेनिफर इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। और अब कूपर और बाकी सब अपना सफर आगे तय करते रहते हैं। जेनिफर कूपर को बहुत लाइक करने लगी थी, पर अफसोस कूपर उसे लाइक नहीं करता। तभी उस जगह पर बड़े बड़े कीड़े उड़ते हुए आ जाते हैं। सारा तो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उसने डर के मारे कूपर का हाथ पकड़ लिया होता है। जेनिफर ने जब ये देखा तब वो एकदम जेलस फील कर रही थी। वो ये कभी नहीं चाहती थी कि कूपर सारा के साथ रिलेशनशिप बनाए, इसीलिए जेनिफर जानबूझकर वहाँ पर शोरगुल करने लगती है ताकि वो सारे क्रिएचर्स यहाँ पर आकर सारा को खत्म कर दें। कूपर, एल्बर्ट और सारा जेनिफर को शांत रहने के लिए कहते हैं, पर अब एल्बर्ट ने उन सभी की जान बचाने के लिए जेनिफर को गोली मार दी थी, क्योंकि अगर जेनिफर इसी तरीके से चिल्लाती रहती ना तो सारे लोग मारे जाते। पर गन की आवाज सुनने की वजह से कुछ कीड़े यहाँ पर पहुँच गए थे। एल्बर्ट, कूपर और सारा मिलकर उनसे लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन अब एक कीड़े ने सारा को पकड़ लिया था, जो उसे उड़ाते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। कूपर ने तो सारा को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी, पर अफसोस वो इसमें नाकामयाब रहता है। अब कूपर एल्बर्ट के साथ डायरेक्टली अपने डैड के पास चला गया था, जहाँ पर वो उनसे मदद मांगता है सारा को ढूंढने के लिए। पर अब यहाँ एल्बर्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। उन कीड़ों का जहरीला डंक लगने के कारण अब एल्बर्ट तो उन्हीं के जैसा बनने लगा था, और अब देखते ही देखते वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी पर हमला करने लग जाता है। लेकिन कूपर ने अपने फादर के साथ मिलकर एल्बर्ट को गोली मार दी थी। हालांकि एल्बर्ट तो मर गया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा आवाज होने की वजह से वहां पर कई संख्या में कीड़े आ गए थे। कूपर और बाकी सब उनसे बचने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें सारा को दिखाया जाता है, जिन्हें कि उन बड़े बड़े कीड़ों ने अपने घोंसले में लाकर रख दिया था। वहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे लोगों की बॉडी पड़ी हुई होती है। दरअसल वो कीड़े सभी इंसानों को पकड़कर अपने घोंसले में लाकर जमा कर रहे थे, ताकि उनकी रानी एक एक करके सभी को खा सके। यानी कि वहाँ पर मौजूद अब सारे लोग मरने वाले हैं। यहाँ कूपर कैसे भी अपने डैड को कन्विंस करता रहता है कि उन्हें सारा की मदद करनी ही पड़ेगी, लेकिन कूपर के डैड का मानना था कि ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। कूपर अपने डैड की कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो अकेले ही सारा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। पर रास्ते में कूपर को कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था। उन्हें लग रहा था कि कूपर भी उन कीड़ों से इन्फेक्टेड है, और वो भी कुछ ही टाइम में मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए पुलिस वालों ने कूपर को जेल में बंद कर दिया होता है। वो सब तो कूपर के डैड और उनके एक दोस्त को भी अंदर करना चाहते थे। तब जाकर ये बात पता चलती है कि कूपर के डैड भी इन्फेक्टेड हैं। तभी कूपर के डैड ने गन लेकर उन सभी पुलिस वालों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। पुलिस स्टेशन में एकदम से अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अब उनके जेल में मौजूद एक कैदी जो पहले से ही इन्फेक्टेड था, वो डेडली मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपने सामने आने वाले किसी पर भी हमला कर दे रहा था। लेकिन कूपर के डैड ने कैसे भी करके वहाँ से अपने बेटे को छुड़वाया और अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन से निकल गया था। वो तीनों तो रास्ते में साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, और अब कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो सब उन कीड़ों के घोंसले तक पहुंच गए थे। लेकिन कूपर के डैड ने पता नहीं क्यों कूपर को एक पेड़ से बांध दिया था और अपने दोस्त को मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया था। दरअसल कूपर के डैड ये नहीं चाहते थे कि इस खतरनाक मामले में कूपर और उसका दोस्त पड़े, और अब कूपर के डैड अकेले ही उस घोंसले में चले जाते हैं। कूपर के डैड जैसे ही सारा के पास आ गए थे, सारा ने तो डर के मारे उनके ऊपर ही हमला कर दिया होता है। कूपर के डैड सारा को समझा रहे थे कि वो उनकी मदद करने आया है। तब जाकर सारा थोड़ा सा सेफ फील करती है। अब वो दोनों मिलकर उन कीड़ों की रानी के पास जाने लगे थे, पर उन कीड़ों की रानी कूपर के फादर को कहीं भी मिलती ही नहीं। पर जैसे ही वो ऊपर देखते हैं, वो खतरनाक रानी वहीं पर थी, जिसने देखते ही देखते कूपर के फादर और सारा पर हमला कर दिया था। यहाँ कूपर का दोस्त होश में आ जाता है, और वो दोनों मिलकर घोंसले के अंदर चले गए थे। सच में कूपर और उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, और अब वो दोनों गलती से रानी के बहुत सारे अंडों के ऊपर गिर गए थे। दूसरी तरफ से कूपर को गन चलाने की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। वो समझ गया था कि उसके फादर जरूर वहाँ पर होंगे। कूपर का फादर सारा को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार रानी के ऊपर फायर करते जा रहा था, लेकिन उन कीड़ों की रानी के ऊपर जरा भी इसका फर्क पड़ता ही नहीं। पर कूपर भी वहाँ पर अपने दोस्त के साथ आ गया था, जो दूसरी तरफ से उन कीड़ों की रानी पर वार करता है। उन कीड़ों की रानी इन सारी चीजों
उससे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और अब जाकर वो एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज निकालती है जिससे कि वहाँ पर मौजूद कोई भी कुछ सुन नहीं पा रहा था सिवाय कूपर के उस दोस्त से, क्योंकि उसे पहले से ही सुनाई नहीं देता। इसीलिए वो आदमी तुरंत ही कूपर के डैड से एक बॉम्ब लेता है और उसे उठाकर क्वीन के मुंह में डाल देता है। अब थोड़ी देर के लिए उन कीड़ों की रानी शांत हो गई थी। यहाँ कूपर के फादर जरा भी हिल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो बाकी सभी को यहाँ से तुरंत चले जाने के लिए कहते हैं। उन्होंने कूपर को उस बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल दे दिया था और अब देखते ही देखते कूपर के फादर भी एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कूपर के पास वो रिमोट कंट्रोल आ गया था, इसीलिए वो उसे तुरंत ही प्रेस कर देता है, लेकिन इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। वो बार बार बॉम्ब के बटन को दबाते ही रहता है। पर थोड़ी देर बाद कूपर को ये पता चला था कि उस रिमोट कंट्रोल की बैटरी गिर गई है और अब उसे कैसे भी करके एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए। तभी कूपर को ध्यान में आया कि उसने जो टॉर्च ली है उसमें भी तो बैटरी ही मौजूद है, इसीलिए कूपर ने तुरंत टॉर्च में से बैटरी निकाली और उसे बॉम्ब के रिमोट कंट्रोल में डाल दिया। यहाँ उन कीड़ों की रानी लगातार कूपर का पीछा करने लग जाती है और अब कूपर एक ऐसी जगह पर फंस गया था ना जहाँ से उन कीड़ों की क्वीन हमेशा के लिए उसे खत्म कर देगी। पर तभी कूपर ने बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल दबा दिया था जिससे कि उन कीड़ों की रानी के पेट में जो बॉम्ब मौजूद था वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा घोंसला भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। सारा और उसके दोस्त ने कूपर को सही सलामत बाहर निकाल दिया था, यानी कि अब सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हो गई थी। कूपर तो थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में अपनी आंखें खुलता है और वो तीनों मिलकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जाल से आजाद करने लगे थे। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी में लेखक ने ये बताया है कि अगर इन फ्यूचर हम सभी पर इसी तरीके के क्रिएचर्स हमला कर दें, तो हमें एक दूसरे के खिलाफ ना जाकर बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और हो न हो इस तरीके की आपदाएं फ्यूचर में आने वाली हैं, तो हमें प्रॉपरली इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। आप अगर कूपर की जगह होते तो इन क्रिएचर्स को कैसे खत्म करते, कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।